बिग बॉस ही है और मैं बिग बॉस को बहुत पसंद करती हूँ। स्पेशली मैं सलमान खान जी की बहुत बचपन से ही फ़ैन हूँ। देखिए बॉलीवुड में है ना, आज के दिन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है, जो देखा जा रहा है ना, जब से सुशांत जी की डेथ हुई है। मेहनत करके और देखो, जो जिसमें टैलेंट है उसको कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में ये मेंटेलिटी है ही कि लड़की क्यों जन्म ले रही है। अगर मैं एक सोशल मैसेज दे सकती हूँ अपने थ्रू, अवेयरनेस के लिए, अपनी सिटी के लिए, तो मैंने उसके लिए कन्या मूवी की स्टोरी प्लान की। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस है जो एक्ट्रेस होने के साथ ही एक एंटरप्रेन्योर भी है और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट है। तो हरियाणा की जो छोरी है वो हरियाणा को छोड़ के दिल्ली में आई, फिर दिल्ली से मुंबई। इसकी आपने कैसे प्लानिंग की? हरियाणा वैसी सिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, और डेवलप के साथ साथ ये रहा कि उतना अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों को बहुत दबा के घर में रखा जाता है लड़कियों को। नहीं नहीं यार, लड़कियां तो सिर्फ घर में काम करने के लिए हैं, अगर वो बहू भी हैं तो वो घूंघट में रहेंगी और उनको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। सोच है ऐसी, इसी सोच के चलते हुए मैंने मूवी की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या, क्योंकि मैंने अपने आसपास में, मैंने अपने रिलेटिव्स में और हरियाणा में मोस्टली ना न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ आती है कि यार आज लड़की पैदा हुई है तो उसको मार दिया गया है या उसको उसकी कन्या भ्रूण हत्या कर दी गई है। एक न्यूज़पेपर में मतलब कि आप देखोगे तो डेली एक न्यूज़ आपको इस पे मिलेगी। तो वो सब हम देखते आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं एक सोशल मैसेज दे सकती हूँ अपने थ्रू, अवेयरनेस के लिए, अपनी सिटी के लिए, तो मैंने उसके लिए कन्या मूवी की स्टोरी प्लान की और उसके बाद ये मूवी मैंने शूट की। तो ये हम कह सकते हैं जो आपके जो दो शॉर्ट मूवी है तो वो आपके पर्सनल लाइफ से भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, इसलिए आप वो स्क्रिप्ट चॉइस किए। जी, अपनी सिटी के लिए बेसिकली ना। साथ ही आप म्यूजिक एल्बम भी किए थे, तो म्यूजिक एल्बम के बारे में बताइए, क्योंकि शॉर्ट फिल्म अलग होता है, म्यूजिक अलग होता है, उसमें लिपसिंग अलग होता है, उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसके बारे में बताइए, उसका मोमेंट आपको कैसा लगा? जो चीज़ें मैंने देखी थी वो उसमें मैंने दिखाई हैं मूवी में, कन्या मूवी में। तो उसके बाद ये थोड़ा सा अलग रोमांटिक और ये सब चीज़ें ना, मेरे लिए थोड़ा ना रोमांटिक जो सीन होता है ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत, मेरे को सब बोलते हैं कि आप तापसी पन्नू जैसी हो, आपके ऊपर वो सीन ही नहीं जाएगा रोमांस वाला ना। पर हाँ, मैंने किया, सॉन्ग में रोमांटिक देना ही पड़ता है, वो तो जो स्क्रिप्ट की डिमांड है वो आपको करना पड़ता है। तो जैसा कि आपने शॉर्ट मूवीज किया है, म्यूजिक एल्बम किया है, लेकिन अगर आपको फिर से कमबैक करने को बोले तो आप किस प्लेटफॉर्म पे कमबैक करना चाहेंगे, टेलीविजन या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर रियलिटी शो? देखिए, अपॉर्चुनिटी तो कहीं से भी मिलेगी तो छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे वो टीवी है, चाहे वो वेब सीरीज़ है या फिर, हाँ, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है वो रियलिटी शो में है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिर्च मसाला, वहाँ पे खुद को आप दिखा सकते हो कि आप रियल में आप क्या हो, और पब्लिक को कुछ मैसेज भी दे सकते हो। तो मेरा इंटरेस्ट रियलिटी शो में। तो आप कौन से रियलिटी शो में जाना चाहेंगे? जैसे कि अभी बिग बॉस तो सबसे ज़्यादा फेमस है, फिर स्प्लिट्स विला है, फिर रोडीज है, इसमें से आप किस में जाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरा इंटरेस्ट है वो बिग बॉस ही है, और मैं बिग बॉस को बहुत पसंद करती हूँ। स्पेशली मैं सलमान खान जी की बहुत बचपन से ही फ़ैन हूँ, जब से मैंने होश संभाला है तो मैं सलमान खान जी को ही मतलब कि मेरे आइडल रहे हैं, और उनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और उनका जो ये शो है ना, वो एक आप पूरे वर्ल्ड वाइड है, उसमें ऐसा नहीं है कि देखो लोग क्या करते हैं, कुछ उसमें उल्टा सीधा भी करते हैं, वो शो की डिमांड नहीं है, शो नहीं करवाता है वो, अपनी रियलिटी लोग दिखा देते हैं। अदरवाइज शो तो ये इसलिए बना है कि आप उसमें रियलिटी दिखाओ, लोगों को कुछ अच्छा मैसेज दो। जैसे अभी आकांक्षा पुरी को ले ले तो वो भी कुछ अलग ही की, जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया और उन्हें एलिमिनेट भी किया गया, तो उस पर आपका क्या सजेशन है कि वो सही था या फिर गलत था? देखिए, सही तो बिल्कुल नहीं था, सलमान सर ने भी बोला उनको एलिमिनेट किया, और उनका सही डिसीजन था ये कि उनको एलिमिनेट किया, क्योंकि देखिए एक फैमिली शो है, और जब आप कुछ अच्छे वे में जाके भी सब कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक वल्गैरिटी से ही आप आगे बढ़ सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आज का ट्रेंड चल रहा है, लड़कियां सोचती हैं वल्गैरिटी से हम बहुत जल्दी आगे चले जाएंगे, और वो वल्गैरिटी की तरफ चलती हैं, वो कुछ मेहनत करके कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं करती कि जिससे हम एक सोशल मैसेज दें। तो बेसिकली अभी यही चल रहा है मार्केट में ना,
कि वल्गैरिटी को पहले पकड़ते हैं कि इससे मैं वायरल हो जाऊं, फेमस हो जाऊं। अगर आप एक्टिंग करना चाहे, मतलब अगर आप किसी के साथ मूवीज करना चाहे, तो कौन सा एक्टर होगा जिसके साथ आप पहली बार मूवी करना पसंद करेंगी? देखिए, ये तो बहुत पेचीदा सवाल है। एक्टर सब अच्छे हैं आज के दिन, सब बहुत मेहनती भी हैं और सब में एक नए तरीके का टैलेंट है। और मैं तो वही बोलूँगी ना जिसकी मैं फ़ैन हूँ, मैं तो सलमान सर के साथ ही काम करना चाहूँगी सबसे पहले ना। मैं आईफा में मिली, उनसे दूर से मिली, मुझे वैसा नहीं मिलना, मुझे आमने सामने मिलना उनसे ना, अच्छे से बात करनी है। तो जैसे कि आपने कहा कि अगर आगे आप चाहे तो आप स्टोरी लिखना चाहेंगी, मतलब मूवी बनाना चाहेंगी ये लड़कियों के ऊपर जो आजकल रेप केसेस आ रहे, तो हमें ये कह सकते हैं कि आगे जाकर आप राइटिंग भी शुरू करने वाली, शायद आप खुद का भी प्रोडक्शन हाउस शुरू कर सके, ताकि जो आपको प्रेजेंट करना है लोगों के सामने, जो आपको मैसेज देना है वो आप कर सके। जी, मेरा एक्चुअली प्रोडक्शन हाउस तो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी 2018 से, HR फिल्म प्रोडक्शन के नाम से। और हाँ, इन फ्यूचर ये है कि मैं ये लाइन में इन करूँगी दोबारा से, तो मैं अपने प्रोडक्शन से ही सब काम करूँगी। और राइटिंग की बात तो मेरी कन्या में भी खुद के सजेशन है। ओके, स्टोरी राइटिंग में मेरे खुद के सजेशन है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने चेंज करवाई। राइटर उसमें ऑफकोर्स अलग हैं, लेकिन उसमें डायरेक्शन से लेके राइटिंग से लेके हर चीज़ में मैंने खुद का सजेशन दिया। मतलब आप कि ऐसे नहीं ऐसे होना, मतलब आप खुद के मूवी में राइटिंग करेंगी, डायरेक्ट करेंगी और बिल्कुल जो मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है और या फिर ये मोटिवेशनल या सोशल मैसेज है, उसमें मैं जरूर करूँ। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे पर्सनली कि जैसे कि आजकल दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म का क्रेज अलग है, बॉलीवुड और साउथ मूवी का भी क्रेज बहुत अलग है। साउथ मूवी के अलग फैन होते जा रहे हैं, बॉलीवुड के अलग फैन होते जा रहे हैं, तो आपका उस पर क्या सजेशन है? देखिए, बॉलीवुड में और क्या चेंजेस होना चाहिए कि वो भी और हाई लेवल पे जाए, क्योंकि जिस प्रकार पहले बॉलीवुड था वैसा ज़्यादा रह नहीं गया है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता ही है। जी जी, देखिए बॉलीवुड में है ना, आज के दिन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गई है, जो देखा जा रहा है ना, जब से सुशांत जी की डेथ हुई है उसके बाद बॉलीवुड ना बिखर गया है। लाइक मतलब कहते ना, एक पॉलिटिक्स चल गई है कि नहीं यार ये नहीं आना चाहिए, नहीं यार वो नहीं आना चाहिए, या फिर सलमान सर को लेकर रूमर्स हो गए कि यार ये लोग इंडस्ट्री में बसे हुए हैं, ये लोग दूसरे को आने नहीं दे रहे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक कहते ना हमारी एक पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स होती है, इसीलिए पॉलिटिक्स बोलते हैं, लेकिन हमारे बॉलीवुड में आज के दिन पॉलिटिक्स चल रही है जो हम लोगों को फील होता है। तो वैसा ना करके, लोगों को वो रूमर्स ना फैला के, मेहनत करके, और देखो जो जिसमें टैलेंट है उसको कोई नहीं रोक सकता, और किस्मत भी है, आपके स्टार होते हैं और आप टैलेंटेड भी हो तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो ये थी रेनु शरण, जो कि ब्यूटी विद ब्रेन है, खूबसूरती के साथ थी। इनमें काफ़ी काम करने का लगाव है और एक ही काम नहीं, कई प्रोजेक्ट्स, कई काम खुद को हैंडल करती, खुद मोटिवेट है, साथ ही लोगों को भी मोटिवेट करती है। इसी प्रकार के इंटरव्यूज़ और खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।